बचपन में हम लोग लैटरिन करते थे और उसी पर खेलते थे, या फिर पैंट में ही लैटरिन किए हुए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये कब देखा है और आपने देखा है या फिर नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं ये खुद बहुत दिन के बाद देखा हूँ। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाले हैं जो शायद आपने सिर्फ बचपन में ही मस्ती किया होगा या फिर आप देखे भी नहीं होंगे जी। क्योंकि दोस्तों, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपना पुराने कल्चर को इतना खो चुके हैं, हम अपना अपना पुराना संस्कार को, अपना पुराना रीति रिवाज को इतना खो चुके हैं, इतना खो चुके हैं। मेरे ख्याल से आने वाला पीढ़ी हमारा कल्चर पे नहीं, विज्ञान पर सिर्फ जिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भले ही विज्ञान आगे बढ़ गया है लेकिन इतना बीमारी लेके आया है ना दोस्तों, इतना बीमारी लेके आया है, ये सब तो आपको सामने दिख ही रहा होगा। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो देखने को मिलता है कि पहले से अच्छा जिंदगी अभी जीते हैं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए आप जिम जाते हैं, जिम में उतना घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जिम में जाते हैं और पैसा देकर आते हैं और स्वस्थ रहते हैं, स्वास्थ्य मतलब अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा पुराना कल्चर में जो है ना, जिम नहीं होता था। जिम मतलब जो अभी एक्सरसाइज वगैरह बोलते हैं, हमारा पुराना संस्कार में औरतें अपने हाथ से गेहूं वगैरह, मसाला वगैरह पीसती थी, तो वो भी कोई जिम से कम नहीं था, वो भी कोई जिम से कम नहीं था। और वही औरतें, आज की औरतें मसाला डालने की रेडीमेड और अपना बॉडी को फिट रखने के लिए जाएगी जिम, और जिम में पैसा देके जाएगी, यानी डबल खर्चा। मसाला में पैसा लगा, स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए जिम में पैसा लगा, लेकिन वही काम घर पर नहीं करेगी, नहीं कर सकती है, या फिर लड़का भी। अगर साइकिल से बोलिएगा कि आप जाओ वहां से सामान लेके आओ, बेइज्जती महसूस हो जाएगा ना, बेइज्जती हो जाएगा महसूस। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बेइज्जती किस बात की है भाई, बेइज्जती किस बात का है, किस बात का बेइज्जती है? साइकिल क्या चढ़ने वाला चीज नहीं है? उसमें सिर्फ हम पैडल मारते हैं और मोटरसाइकिल में पैडल नहीं मारते हैं, अंतर क्या है, अंतर क्या है? बस आप जो जिम में जाकर वो बैठकर ये यूं यूं करते हैं, वही तो ये है, उस पर शर्म नहीं आती है, लेकिन आपको साइकिल चढ़ने में शर्म आएगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ, और नहीं, वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा।
आजकल के बच्चों को एक गाना सुनाइएगा, मतलब कोई सा भी, मतलब जो हम लोग सुनते थे तो बोले ये सब क्या है, लेकिन वहीं पे भोजपुरी या फिर ये दोनों गाना चला दीजिएगा। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। ये फलामा के गाना है, ढेकनामा के गाना है, लेकिन और हाँ एक बात और, आज का के बच्चों को बोलिएगा कि भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद जी कौन थे, तो बोलेगा कि ये कौन था, लेकिन वहीं पे बोलेगा कि हनी सिंह कौन है, या फिर बादशाह, या फिर वगैरह वगैरह, आप समझ रहे होंगे कौन है, फटाफट आंसर दे देंगे। और वैसे भी मुझे पता है कि ये सब सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, आप नहीं सुन पाइएगा क्योंकि आप लोगों को पता होता है लेकिन करते नहीं है। क्यों? सिर्फ बेइज्जती महसूस होने के लिए, सिर्फ बेइज्जती महसूस होने के लिए आप लोग नहीं करते हैं और नहीं वैसा अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। तो मैं बता रहा कहना चाहता हूं, जो लोग हवाई जहाज या महंगी कार पर चलते हैं या फिर बैठ के कहीं जाते हैं, सिर्फ वही लोग एक इंसान है क्या? खैर छोड़िए, ये सबसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन देखकर अजीब सा लगता है कि हमारा अपना कल्चर, हमारा अपना इतना अच्छा जिंदगी, सिर्फ एक बेइज्जती के कारण हम लोग खोते जा रहे हैं, सिर्फ एक बेइज्जती के लिए। लेकिन बेइज्जती क्या करना है भाई? बचपन में क्या करते थे हम लोग, टट्टी हुए गला या फिर लैटरिंग, हम लोग टट्टी मतलब हिंदी में बोलते हैं लैटरिंग, जो सब जिसको जैसे समझना होगा वैसे समझ लेगा। बचपन में हम लोग लैटरिंग करते थे और उसी पर खेलते थे, या फिर पैंट में ही लैटरिंग किए हुए हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, उस समय बेइज्जती नहीं लगता था। सारा चोंचले, सारा मतलब रीति रिवाज टोटले, बेइज्जती महसूस होना, सारा पैसा और हाइट बढ़ने के बाद ही आता है। खैर छोड़िए, वीडियो पहले देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Oh, thank you, Dad.